Hey guys, welcome back to our another video. कैसे आप लोग? Hopefully आप बहुत बढ़िया होंगे. And guys, मैं भी बहुत बढ़िया. तो आप लोगों के बहुत सारे comments आ रहे थे, DM भी आ रहे थे मुझे Instagram पे. यार मेरा Accenture से offer letter आ गया है, but joining date नहीं आई है. Accenture join करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो भाई मैं अपना experience बता देता हूँ. मैंने Accenture में 1 year 1 month काम किया है. अच्छा resource था Accenture का, but मैंने Accenture छोड़ दिया. अबे साले. उसके reasons बहुत सारे हो सकते हैं, सबके अलग अलग रीजन होते हैं. किसी को प्रोजेक्ट पसंद नहीं आता, किसी को कंपनी पसंद नहीं आती, किसी को पैसा नहीं मिलता उतना जितना होना चाहिए होता है. लेकिन पैसे से ज्यादा है किसी की भूख मिटती नहीं है. अगर आप कितना भी कमा लो फिर भी आपको लगेगा ये तो बहुत कम है, क्योंकि आपके खर्चे उसके अकॉर्डिंग बढ़ जाते हैं. तो चलो आते हैं मेन मुद्दे पर की बात करते हैं भाई, Accenture ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए. देखो अपना एक्सपीरियंस बताता हूं. मैंने Accenture ज्वाइन किया था लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर ही छोड़ दिया. एक साल काम किया ना मैंने, 1 साल 1 महीने. तो भाई मैं तो बताऊं, मेरे को तो Accenture काफी अच्छा लगा, काफी अच्छी कंपनी लगी, वो बात अलग है, मैंने छोड़ दी. बट हाँ, मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा, मेरे को प्रोजेक्ट मिल गया तुरंत. नहीं तो बहुत सारी कंपनीज में क्या होता है ना, आपको हायर कर लेते हैं, आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलता, बेंच पे रखते हैं 2 या 3 महीने. बट मेरे को तुरंत Accenture में प्रोजेक्ट मिल गया था. विद इन 2 या 3 डेज में मेरे को प्रोजेक्ट से कॉल आ गया. अब बात आती है, जब आप फर्स्ट टाइम कंपनी चेंज करते हो आपको दिक्कत आती है या नहीं आती? थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी यार, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कंपनी चेंज कर रहे हो, दूसरी कंपनी में जाते हो. अब दिक्कत क्यों आती है ना, क्योंकि आपका कंफर्ट जोन बन जाता है पहली कंपनी में. जब आप दूसरी कंपनी में जाते हो ना, तो कंफर्ट जोन इतना जल्दी नहीं बनता. आपको थोड़ा टाइम लगेगा, टीममेट से मिलोगे, बातें करोगे, तो आपको पता चलेगा हाँ भाई मेरे टाइप का है. अगर आपके टाइप का नहीं हुआ तो आपको प्रॉब्लम आने लग जाएगी प्रोजेक्ट में. जो अदर दिक्कत आती है वो आती है भाई आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी. क्योंकि आप जब कंपनी चेंज करके आते हो ना, तो आपको पे अच्छा मिलता है, और ये आपके लीड को छोड़ के ना मैनेजर्स को पता रहता है कि आपको कितना पे मिल रहा है. तो भाई उनकी नजर में पता है कि यार इतने पे मिल रहा है इस बंदे को, इसको काम करना चाहिए, और इसको हायर भी इसीलिए किया कि ये अच्छा काम करे. तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना, वो आपसे बहुत ज्यादा होती है कि आप ना अच्छा काम करो. और भी आप जिम्मेदारी को लो, जैसे आप टीममेट्स के साथ काम कर रहे हो, अगर उन्हें कोई भी इशू आता है तो उनके साथ हेल्प करो, उनकी इशूज को सॉल्व करो. तो सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी. एंड बाकी आप सब लोगों को पता ही है Accenture अच्छा पे करता है. आप बोलोगे Accenture कहाँ पे करता है भैया, मैं Amazon की बात कर लो, Flipkart की बात कर लो. यार उन कंपनी की बात थोड़ा ना कर रहा हूं मैं, सर्विस बेस्ड कंपनी की बात कर रहा हूं मैं. बात तो सही है. अगर आप Accenture, TCS, Wipro, Cognizant एंड Capgemini अगर इनसे कंपेयर करोगे ना, तो आपको Accenture अच्छा खासा पे मिलता है, एंड आपको जो इंक्रीमेंट होता है ना वो भी काफी अच्छा होता है एज कम्पेयर टू Infosys. अब आप बोलोगे भाई आपने Infosys का नाम क्यों लिया? तो भाई मैंने Infosys में काम किया है 3 year 2 month, मेरे को पता है कितना पे मिलता है कितना पे नहीं मिलता. बात पे की आती है तो भाई मेरी वीडियो भी वहीं से वायरल हुई थी. वायरल वीडियो की बात करो ना, तो आपने नहीं देखी है ना, तो Infosys वाली वीडियो देख लेना, यहाँ पे आ रही होगी सैलरी स्लिप वाली, वही वीडियो आप लोगों ने वायरल कराई थी मेरी. जोक्स अपार्ट, चलो बात आती है Accenture की. Accenture के बारे में और भी पॉइंट्स बताने हैं मेरे को. तो यार Accenture काफी अच्छा है, पे भी अच्छा करता है, आपको प्रोजेक्ट तुरंत मिल जाएगा. एंड ऐसा नहीं है कि अगर आपको ना एक ही प्रोजेक्ट में काम करने को मिल रहा है, अगर आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट आपके लिए सही नहीं है, तो आप प्रोजेक्ट भी चेंज कर सकते हो. आपको टेक्नोलॉजी चेंज करना है तो वो भी चेंज कर सकते हो. सबसे अच्छी चीज की वहां पे आपके वेरिएबल पे मिलता है. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार वो 8% 9% मिलता है, वो सही भी है यार. मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? सही है, इतना ही परसेंट मिलता है. बट द थिंग इज, अगर आप प्रोजेक्ट में अच्छा कर रहे हो तो आपको वेरिएबल पे भी अच्छा खासा मिल जाएगा. वो आपके मैनेजर पे डिपेंड करेगा कि अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आपको अच्छा खासा वेरिएबल पे भी दे देंगे. आपका इंक्रीमेंट काफी अच्छा होता है. सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी, क्योंकि भाई सर्टिफिकेशन मेरे पास नहीं था पहले, जब मैं Accenture में गया तो भाई मैंने सर्टिफिकेशन पे ज्यादा ध्यान दिया. वो इसलिए दिया क्योंकि फ्री में मिल रही थी सारी चीजें वहां पे. मतलब अगर आप पहली बार सर्टिफिकेशन दे रहे हो ना, तो Accenture में दे लेना, आपका सारा पैसा कंपनी देगी. मतलब आपको पहले से कूपन मिल जाएगा, वो कूपन यूज करना. एंड सर्टिफिकेशन अगर आपका क्लियर हो गया तो दोबारा से आप दे सकते हो एक और. अगर आपका वो क्लियर नहीं हुआ दोबारा से एग्जाम, तो फिर उसके बाद नहीं दे पाएंगे. मैं तो बोलूंगा यार तैयारी करो, एक बार में पहला निकाल लो सर्टिफिकेशन, जिससे आपको दूसरा चांस मिल जाएगा. दूसरी बार निकाल लो तो सारे सर्टिफिकेशन एक साथ कर सकते हो. अगर आप नोटिस पीरियड पे होते हो ना, तो सर्टिफिकेशन नहीं दे पाओगे, उसका मेल आ जाता है आपके पास. तो इस कूपन कोड को ना रिडीम मत करना. बाकी अदर चीज की बात करूं, तो आपको वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगा कुछ टाइम के लिए, अदरवाइज आपको ऑफिस आना पड़ेगा. और ऐसा भी नहीं है, आपको अगर लोकेशन चेंज कराना है तो आप तुरंत लोकेशन भी चेंज करा सकते हो. अपने मैनेजर से बात करो, जैसे आपको ना अगर पुणे में हो, आपको मुंबई आना है, तो मुंबई आप लोकेशन चेंज करा सकते हो. बैंगलोर पुणे आना है आपको, तो आप इजीली लोकेशन चेंज करा सकते हो, एंड आपको ना मैनेजर का अप्रूवल लगेगा. और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि भैया यार निंजा टेक्निक बता दो IT कंपनी में पैसा बढ़ाने की. तो भाई Accenture में आपकी निंजा टेक्निक है, तो आपको टेकलीफ का एग्जाम देना होगा. अगर आपको टेकलीफ का एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आपकी सैलरी बढ़ जाती है, सैलरी के साथ साथ आपकी डेजिग्नेशन भी बढ़ती है. चलो मैं आपको थोड़ा फिगर दे देता हूँ कि आपकी अगर सैलरी 28 की है, तो अगर आपने टेक लीव का एग्जाम दे दिया एंड आपको क्लियर हो गया, तो आपकी सैलरी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, उसके साथ आपकी ना डेजिग्नेशन ही बढ़ जाएगी. अगर आपकी डेजिग्नेशन एसोसिएट है तो आप एनालिस्ट बन जाओगे, एंड आपकी जो सैलरी 28 की है तो वो आपकी अप्रोक्स 40 की हो जाएगी. है ना निंजा टेक्निक सैलरी बढ़ाने की आईटी कंपनी में? बात तो सही है. एंड बाकी जो लोग बोल रहे हैं कि भाई क्या करना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए Accenture या नहीं करना चाहिए, तो मेरा सजेशन है भाई ज्वाइन कर लेना चाहिए. Accenture बहुत ही अच्छी कंपनी है, और मैं रहा हूं तो भाई मैं तो बोलूंगा Accenture अच्छी कंपनी है. बट ऐसा नहीं है, मैं Infosys के बारे में नहीं बोलता. बट जिन लोगों के ऑफर लेटर अभी तक अटके हुए हैं, कुछ टाइम बाद आने वाले हैं, तो वो आ जाएंगे. नो वरी, Accenture ऑफर लेटर आपके रिलीज कर देगा. बट उसमें भी आपको सजेशन मैं दूं, जिसका ऑफर लेटर पहले आ जाता है ना, मतलब ज्वाइनिंग डेट,
तो भाई वहां पे ज्वाइन कर लो, वेट मत करो किसी कंपनी का, थोड़ा सा महामारी चल रही है आईटी कंपनी में। बाकी गाइस आज की वीडियो में इतना ही, और टॉपिक को बात करेंगे आप कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर सकते हो। बाकी जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप लोग व्यू तो देके जाते हो बट एक सब्सक्राइबर काउंट नहीं बढ़ा के जाते, तो जल्दी बढ़ा दो क्योंकि 50K हमें जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने हैं। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।